चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग दिखाया गया है कि किस प्रकार से कवि प्राकृतिक दृश्यों को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ पर चंद्र गहना एक गांव है जिस स्थान से कवि लौट रहा है, यानी कि वहाँ पर जाकर के वापस जब वो लौटता है तो खेतों के सहज सौंदर्य पर उसका मन आकर्षित होता है और कवि को साधारण सी चीज़ों में भी सौंदर्य के दर्शन होने लग जाते हैं। वह तालाब की हलचल, दूर तक फैली हुई चित्रकूट की पहाड़ियाँ, उन पर उगे वृक्षों पर बैठे पक्षी और उनके कलरों को शहरी विकास की तीव्र गति से बचाए रखना चाहता है। तो शुरू करते हैं प्रथम स्टेंजा। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांध मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ पर मेड़ खेतों के बीच में जो आने जाने का रास्ता बना दिया जाता है वह है बीता, यानी अंगूठे के सिरे से अंगुली तक की लंबाई को बीता कहते हैं, एक हथेली के बराबर। ठिगना छोटे कद वाला है, मुरैठा यानी साफा, शीश यानी सिर पर। इसमें इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वह आसपास की फसलों का सौंदर्य देखने लग जाता है और देखता है कि एक हथेली की लंबाई का ठिगने चने का पौधा सज धज कर खड़ा है और जैसे उसने अपने सिर पर साफा बांध रखा है, इस प्रकार से साफा बांधा हुआ है जैसे कि वह शादी में जाने को तैयार हो, क्योंकि वह सिर पर गुलाबी फूल सजाए खड़ा हुआ है, उस पर गुलाबी फूल उगाया है जो इस तरह का लग रहा है मानो उसने साफा बांध रखा हो। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। हल्सी यहाँ पर एक तिलहनी पौधा है जिसमें से तिल निकाला जाता है, इसे तीसी भी कहते हैं। हठीली यानी जिद्दी, लचीली यानी लचकदार, नील यानी नीले। कवि देखता है कि चने के पास ही अलसी भी उग आई है, यानी अलसी के छोटे छोटे पौधे भी उग आए हैं। ऐसे लग रहा है कि वह चने के पास उगाई नहीं गई थी बल्कि ज़बरदस्ती उगाई हो। उसका टहनी जो है बिल्कुल पतली है, पतला शरीर है, लचकदार कमर वाली अलसी सिर पर नीले फूल को धारण किए हुए है, यानी उसके सिर पर नीला फूल उगा हुआ है। ऐसी सुंदरी अलसी कहते ही है कि जो उसे छुएगा उसे वह अपना हृदय दान दे देगी, अर्थात कवि उसको प्रेमातुर नायिका के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर अलसी और चने का दोनों का मानवीयकरण किया गया है, यानी कवि उन दोनों को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अलसी को हठेली क्यों कहा गया है? क्योंकि वह बलपूर्वक उगाई है, ज़बरदस्ती उगाई है और वह हवा के झोंके के साथ झुककर ज़मीन को छू जाती है तो तुरंत ही पूर्ववत खड़ी भी हो जाती है और चने के साथ झूमने लगती है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, और इस रिसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रभूमि का भूमि उपजाऊ अधिक है। इसमें सयानी का मतलब है बड़ी, युवा, और हाथ पीले यानी विवाह के लिए हल्दी लगाना, पधारी हुई मतलब आई हुई है, फाग होता है फागुन माह में जो गीत गाया जाता है उसे फाग कहते हैं, अनुराग यानी प्रेम, विजन यानी सुनसान। सरसों के सौंदर्य के बारे में यहाँ कवि बात कह रहा है, वो कह रहा है
कि सरसों के सौंदर्य की तो बात ही बिल्कुल न्यारी है, जिसे आपको पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अब सबसे युवा और सयानी हो गई है और ब्याह के मंडप में जाने को आतुर उसने अपने हाथों को पीला कर रखा है। और साथ ही ऐसा लग रहा है कि फागुन का महीना भी फाग गा रहा है, फागुन के गीत गा रहा है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा हो। स्वयंवर किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई भी युवा महिला और पति का चुनाव करती है उसे स्वयंवर कहते हैं। इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में प्रकृति का प्रेमपूर्ण आंचल हिल रहा है। इतनी शांति है कि जिसके कारण प्रकृति का आंचल हिल रहा है और सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। कवि को लगता है शहरों की अपेक्षा गांव की जमीन पर प्यार के मामले में अधिक उपजाऊ है। यह मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी प्यार करते हैं और प्रकृति का एक एक अंग प्यार से सरोबार दिख रहा है, भरा हुआ दिख रहा है। कवि एक सरसों पर पीले फूल आ गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि सरसों अब सयानी हो गई है, यानी अपनी यौवनावस्था को प्राप्त कर चुकी है और अब शादी के लिए उसने हाथ पीले कर लिए हैं। फागुन का महीना उसके उसको गीत गाता हुआ सा लग रहा है। यहाँ पर फागुन के महीने का भी मानवीयकरण किया गया है। कवि देखता है कि सरसों, अलसी, चना इन सब की फसलें अपनी सज धज के साथ खड़ी हैं। चना अपने सिर पर मुरैठा यानी साफा बांध करके खड़ा है। हठीली अलसी सिर पर फूल धारण किए खड़ी है। सरसों भी अपने हाथ पीले करके दुल्हन के रूप में पधारी हुई है और फागुन गीत गा रहा है। सब मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई स्वयंवर या शादी का आयोजन किया जा रहा है। खेत में हरी भरी लहराती फसलें, वातावरण में फैली सुगंध, फागुन द्वारा गाए जा रहे फाग और हवा में हिलते जुलते पत्तों को पौधों को देखकर ऐसे लगता है कि प्रकृति भी अपना आंचल हिला रही है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोखर का यहाँ मीनिंग है तालाब, लहरियाँ या लहरे, तल यानी पेंदा और चकमकाना यानी चुंधियाना। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ पास में ही तालाब है, जिसमें हवा के चलने से लहरें उठ रही हैं। तालाब की नीली तली में भूरी घास उगाई है, लहरों के साथ वे भी लहरा रही हैं। उस पानी में सूर्य की परछाई आँखों को चुंधिया रही है और वह चांदी के बड़े गोल खंभे जैसा दिख रहा है। तालाब के किनारे कई प्रकार के पत्थर रखे हुए हैं, जो ऐसे लग रहा है कि वो चुपचाप पानी पी रहे हैं। कवि सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं। कवि जहाँ बैठा है वहाँ का पानी बिल्कुल स्वच्छ है, इसलिए सूर्य का प्रतिबिंब उसे चांदी जैसा आभास करवा रहा है। अन्य पंक्तियों में, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर उड़ती है गगन में। यहाँ पर मीन यानी मछली, ध्यान निद्रा यानी ध्यान रूपी नींद, त्यागना यानी छोड़ना, चट यानी जल्दी से, माथ यानी माथा, श्वेत यानी उज्ज्वल। इसमें तालाब में एक किनारे बगुला ध्यान की नींद में मग्न है, इसका ध्यान दिखावटी है। बगुला जो होता है वो चुपचाप बैठ जाता है ताकि चंचल मछलियों को देखते ही उन्हें पकड़कर खा सके।
उस मछली को वह चोंच में पकड़कर गले के नीचे उतार लेता है। तभी कवि देखता है कि काले माथे वाली एक चालाक चिड़िया आती है जिसके पंख सफ़ेद हैं और वह पानी की सतह पर झपट्टा मारती है और अपनी पीली चोंच में एक चमकदार चंचल मछली दबाकर आकाश में उड़ जाती है। बगुला जो है ध्यान लगा करके योगी की तरह खड़ा है और वह मछलियों का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मछली उसके पास आती है वह ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर उसे दबोच लेता है। अन्य पंक्तियों में और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन की टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है। स्वच्छंद यानी आजाद। कवि जहां बैठा है यह प्राकृतिक दृश्य देख रहा है। वहां से कुछ दूरी पर जमीन ऊंची है और वहीं सामने से रेल की पटरी गई है। कवि जानता है कि यह ट्रेन के आने जाने का समय नहीं है। वैसे भी कवि को किसी काम के लिए कहीं जाना नहीं है और वह इस समय स्वतंत्र है, आज़ाद है या उसे कोई विशेष काम नहीं है, इसीलिए वह आसपास की जगह का निरीक्षण कर रहा है और अपने आप को स्वच्छंद महसूस कर रहा है। कवि खेतों के बीच में जो सौंदर्य है उसका निरीक्षण कर रहा है जहाँ पर उसको पटरी दिखाई दे रही है। अन्य पंक्तियों में वह कहता है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ का मतलब है उबड़ खाबड़, कुरूप यानी भद्दे। कवि देखता है कि उसके सामने चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हैं। इन पहाड़ियों की भूमि अनुर्वर है यानी कि बांझ है। वहाँ रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों का अपना कोई आकर्षण नहीं है। चित्रकूट की पहाड़ियों की पथरीली जमीन पर रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। इन पेड़ों की पत्तियां जो हैं छोटी हैं और इनमें कांटे ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर हरियाली का अभाव है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गी का स्वर टें टें टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का टिरंटो टिरंटो मन होता है, उड़ जाऊँ मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगलू जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुपे चुपे। सुग्गा यहाँ पर तोता है, जुगलू यहाँ पर युगल जोड़ा है। कवि को तोते की टेंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज़ उसके मन को बहुत भा रही है और यह आवाज़ उसे कर्णप्रिय लग रही है यानी अच्छी लग रही है। उसे दूसरी ओर सारस की टिरंटों टिरंटों की आवाज़ भी सुनाई देती है। यह आवाज़ कहीं दूर से आ रही है जो वन प्रांत को चीरती जा रही है। सारस का यह स्वर और भी तेज होता है तो कभी मंदा हो जाता है, कभी उस आवाज़ को सुनकर प्रेमातुर हो जाता है। उसका मन करता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ हरे भरे खेतों के बीच में वह युगल जोड़ी रहती है, यानी दोनों सारस रहते हैं और आपस में प्रेम की बातें कर रहे हैं। कवि चुपचाप से छिपकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहता है। हरे भरे खेतों में सारस की प्यार की बातें जो है कवि के मन को भा रही हैं और वह चुपके से उनको सुनना चाहता है, जिससे कि उसके कदमों की आहट सुन करके सारस युगल मौन ना हो जाए और अगर उसे देख लेंगे तो सारस उड़ जाएंगे, इसलिए वह चुपचाप यह क्षण देखना चाहता है।